नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एक और नए वीडियो पे फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको निकॉन के D7200 कैमरे को मोबाइल से कनेक्ट करके रिमोट फोटोग्राफी करके बताएंगे। मतलब हमारा जो कैमरा है वो मोबाइल से कनेक्ट रहेगा, हम इसको जहाँ चाहें वहाँ स्टैंड पे लगा के यहाँ पे मोबाइल में अपने कैमरे की जो सारी सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। और दोस्तों इसी से मोबाइल के थ्रू हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं रिमोट के थ्रू। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको निकॉन के D7200 कैमरे को मोबाइल से कनेक्ट करके मोबाइल से डायरेक्ट फोटो क्लिक करके या वीडियो बना के बताएंगे। आप दोस्तों इसे रिमोट के माध्यम से, मतलब एक इसमें सेटिंग्स होती है रिमोट फोटोग्राफी, वो दोस्तों हम आपको करके बताएंगे मोबाइल में। तो दोस्तों आपको जब कभी भी खुद की वीडियो शूट करनी हो या फिर दोस्तों फोटो क्लिक करनी हो और आपके पास कोई बंदा नहीं हो फोटो क्लिक करने के लिए, तो दोस्तों ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो दोस्तों A to Z पूरी सेटिंग्स बताएंगे आपको मोबाइल में क्या क्या करना है और दोस्तों कैमरे में क्या क्या सेटिंग्स करनी है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पे ऐसे ही नए नए वीडियो आते ही रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको कैमरे को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना है, इसका नाम है स्नैपब्रिज। यहाँ पे दोस्तों हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों स्नैपब्रिज का उपयोग हम कैमरे से मोबाइल में डायरेक्ट फोटो लाने के लिए यूज करते हैं, उसी में दोस्तों हम स्नैपब्रिज का उपयोग रिमोट फोटोग्राफी के लिए भी करते हैं। तो हमें दोस्तों यहाँ पे स्नैपब्रिज ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपना जो कैमरा है उसका वाईफाई ऑन कर देना है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे कैमरे का जो वाईफाई है वो ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों वाईफाई ऑन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें स्नैपब्रिज ऐप ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा स्नैपब्रिज ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे हमें इसे अलाउ करना है दूसरी बार। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, उसके बाद दोस्तों ये ऐप है जो वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों ऐप ओपन होने के बाद इसमें दोस्तों कुछ इस तरह का लिखा आएगा, डाउनलोडिंग इमेज डाटा फॉर ए न्यू प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ दोस्तों ओके भी कर सकते हैं और लेटर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे ओके कर दिया है, थोड़ा और प्रोसेस लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन और आ रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन के, तो हमें यहाँ दोस्तों इन दोनों पे टिक करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों वेलकम टू स्नैपब्रिज लिखा आ रहा है, तो हमें यहाँ पे नीचे कनेक्टेड टू कैमरा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कैमरे निकॉन कैमरे के मॉडल आ जाते हैं, तो आपका कैमरा जो 7200 है दोस्तों आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको 7200 कैमरे पे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे दोस्तों अपना 7200 कैमरा सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ नीचे तरफ है, तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओपन वाईफाई सेटिंग्स आएगा, तो हमें यहाँ पे ओपन वाईफाई सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों निकॉन कैमरा आ रहा है, तो आपको वाईफाई में निकॉन कैमरा पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो मोबाइल है वो कैमरा से कनेक्ट हो चुका है। अब हम दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से बैक आते हैं, देखते हैं कन्फर्म कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ से दोस्तों बैक आते हैं और यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो हमें दोस्तों फिर से ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो निकॉन का D7200 यहाँ पे दोस्तों लिखा आ रहा है, मतलब हमारा जो फ़ोन है वो निकॉन के D7200 कैमरे से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, एक तो सबसे पहले यहाँ के सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड पिक्चर का, मतलब हमारे जो फ़ोन कैमरे में जो भी फोटो क्लिक की हैं आप यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन से अपने मोबाइल में डायरेक्ट सेटिंग्स से आप ले सकते हैं अपने मोबाइल में। और दोस्तों तीसरा यहाँ पे नीचे रिमोट फोटोग्राफी लिखा है, तो हमें दोस्तों यहाँ इसे इस पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी हम अपने कैमरे में दिखाएंगे वो हमारा मोबाइल में शो करेगा। तो अब दोस्तों हम कैमरे को थोड़ी यहाँ वहाँ घुमाएंगे, तो आप दोस्तों देख सकते हैं जो भी हम कैमरे में शो कर रहे हैं वो दोस्तों हमारे मोबाइल में दिख रहा है। तो दोस्तों आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम जैसे ही दोस्तों कैमरे को ऊपर नीचे करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा जो
स्क्रीन में है, मोबाइल का स्क्रीन में है, सब कुछ हमारा कैमरे का शो कर रहा है। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हमें दोस्तों इस कैमरे में टच स्क्रीन नहीं है, मतलब हमें जहाँ का फोटो क्लिक करना है उस पर दोस्तों फोकस करना है, तो हमें यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। हमें जहाँ पे भी फोकस चाहिए तो हमारा जो फोकस है वो उसी पे हो जाएगा। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें रिमोट पे फोकस चाहिए, हमारा जो मोबाइल है जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं इस पे फोकस करना है। देखिए कैमरा हमारा हमारे मोबाइल तरफ है जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो अपने आप हमारा जो फोकस है वो देखिए दोस्तों इस तरह से जहाँ पे हम क्लिक करेंगे वहाँ पे दोस्तों फोकस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे फोटो क्लिक करना है दोस्तों, तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इस पे क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी जो फोटो है वो क्लिक होके आ चुके हैं। अब दोस्तों इसका एक आध वीडियो और बना लेते हैं, इसको दोस्तों वीडियो भी बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमें स्क्रीन पे कैमरे की जो सारी सेटिंग्स होती है, ISO, अपर्चर और शटर स्पीड, इसमें दोस्तों सारी सेटिंग्स दी होती हैं। मतलब हम अपने कैमरे को कहीं पे भी रख के दोस्तों मोबाइल से फोटोग्राफी रिमोट के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है अपने कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने का। दोस्तों आपको अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करना है, दोस्तों अपने कैमरे का वाईफाई ऑन करना है, और दोस्तों आपको स्नैपब्रिज ऐप करना है डाउनलोड। उसके बाद दोस्तों आपको स्नैपब्रिज ओपन करके आपको रिमोट फोटोग्राफी पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो मोबाइल है वो आपके कैमरे से कनेक्ट हो जाएगा। आप दोस्तों इसे कहीं पे भी स्टैंड पे रख के और दोस्तों फोटो क्लिक कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो भी बना सकते हैं। और दोस्तों खास ये जैसा हमें यहाँ पे खुद का वीडियो बनाने के लिए कोई भी नहीं है, तो हम दोस्तों इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे स्टैंड पे लगा के मोबाइल में इसको दोस्तों कनेक्ट करके हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और खुद की फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के द्वारा। तो दोस्तों ये सुविधा है निकॉन के D7200 कैमरे में, और दोस्तों यही सुविधा है निकॉन के D7500 कैमरे में। सो दोस्तों आई होप आपको ये सेटिंग्स समझ आ गई होगी। दोस्तों सिंपल सेटिंग्स हैं, आप जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपसे नहीं बन रही तो दोस्तों फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको ये सेटिंग्स करते जरूर आ जाएगी। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और ऐसे ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से जुड़े नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।